ईयर 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है मोटा अनाज मिलेट्स इंपॉर्टेंट है बट साथ ही साथ पल्सेस दाल भी एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए हमारे फूड इंटेक का डाइट का सो लेट अस लर्न अबाउट पल्सेस इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में हेल्प होती है सोर्स ऑफ आयरन होता है पल्सेस पोटेशियम इसमें हाई होता है तो डाइजेशन और मसल फंक्शन बेटर होता है दाल एक्सेलेंट सोर्स होता है फॉलेट का जो नर्वस सिस्टम और प्रेगनेंसी के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि इंसुलिन लेवल आपका स्टेबलाइज रहेगा शुगर हाई इन फाइबर है तो डाइजेस्टिव हेल्थ भी आपकी बेहतर रहेगी तो पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है बिकॉज इंडिया में वेजिटेरियन डाइट भी ज़्यादा होती है सो तो उस रिगार्ड में भी पल्सेस एक्सेलेंट सोर्स होता है प्रोटीन का मिलेट्स इंपॉर्टेंट है बट साथ ही साथ पल्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूडे इज थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द वेरी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये वोकेबुलरी है पार्लेंस का मतलब होता है से अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स जैसे कि एट टाइम्स इसको जार्गन बोल सकते हैं लैंग्वेज बोल चाल बोलने का तरीका लाइक दैट एवर का मतलब होता है दृढ़ता से कहना डिक्लेयर एजर्ट स्टेट बेलाइड मतलब झुटलाना होता है हैलिटी एज टू बी ऑबियस एंड बोरिंग इडियोसिंक्रेंसी का मतलब होता है इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है इट इज इट्स मीनिंग इज लत लगना अ मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट थार टू एन इंडिविजुअल हैबिट अफेक्शन सो द दीज आर टूडेज वोकेबुलरी वर्ड्स एंड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी बहुत जरूरी है ये दो

रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं अवार्ड ऑफ ग्रांट इन एड फाइनेंस फंक्शन का काम नहीं होता है फाइनेंस कमीशन डिवॉल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एक्साइज ड्यूटी एंड ट्रेड टैक्स भी असम है आर्टिकल थ्री बी में स्पेशल प्रोविजन असम को यहाँ पर मिले हैं Then, which of the following is not related to election commission? Not related to election commission. The decision to disqualify the person declared convict by the court to contest the election has been made by which body? Which of the following is concerned with the 61st Amendment of the Indian Constitution? The symbol of proportional representation as an electoral mechanism ensures what? दिनेश गोस्वामी कमिटी वॉज कंसर्न विद क जो सवाल है वो ये है कि आज हम एक ही सवाल देखेंगे और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्वेश्चन इज प्रिपेयर नोट ऑन दूशन ऑफ इंडिया पॉलिसी सिंस नाइनटीन फोर्टी सेवन टू प्रेजेंट मैंने आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाया था जयशंकर साहब का जिसमें उन्होंने एक जर्नी बताया था इंडिया की फॉरन पॉलिसी 1947 में हम कैसे थे हम थोड़े आइडियलिस्टिक थे फिर हम थोड़े रियलिस्टिक हुए हम फिर थोड़े प्रैक्टिकल एंड प्रैगमैटिक भी हुए तो 1947 से 2022, 2022 रशिया से ऑयल परचेज करना एट्सेट्रा सो प्रिपेयर अ डिटेल्ड नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ़ एन इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी सिंस 1947 फोर्टी सेवन टू प्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करिए ये एक सवाल होते ही आपका जी एस का बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी वेल और अपने फोटो खींचकर यहाँ पर आप अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं नाउ आई एम वेरी सोशल आई लिव इन प्राइड ऑन द फॉरेस्ट ऑफ गिर गुजरात तो आपको बताना है यहां पर किस वाइल्ड कैट की बात की गई है राइट सो so आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा बिग कैट है कौन सा बिग कैट है विच ऑफ द फॉलोविंग इंडियन लेक्स इज अ फ्रेश वॉटर लेक चा पोलिकतर वुलर और सांभर लेक इसमें से फ्रेश वॉटर लेक कौन सी है क्या आपको पता है नील विद्रोह नील विद्रोह इंडिगो रिवोल्यूशन में, भारतीय इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलन में से एक है ददनी प्रथा के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 में हुई थी आप जानते हैं तो बताइए गेस द बोट टाइप यूज ड्यूरिंग अ रेसिंग स्पोर्ट इन केरला अक्सर हम इस बोट का नाम देखते हैं केरला बैक वाटर पे ये रेस होती है देन आज पीर पांजाल रेंज को जानते हैं दिस इज सो ब्यूटिफुल सो द फेमस पीर पांजाल रेंज इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्रेश वॉटर ह्यूज ग्रीन मेडोज मार्ग मार्ग मीरोज एवरेज एलिवेशन रेंज का फोर्टीन हंड्रेड टू फोर थाउजेंड वन हंड्रेड मीटर है इसमें इतने सी है लेक्स हैं एटसेट्रा सो दिस इज पीर पांजाल रेंज यहाँ टिब्बा होता है जैसे देव टिब्बा है इंद्रासान है ये पीक्स है पीक्स है एट द ईस्टर्न एंड ऑफ पीर पांजाल माउंटेन रेंज और यहाँ पर पार्वती ब्यास वैली है अपर बेल्ट ऑफ चंबा हिमाचल प्रदेश एंड चंद्रा वैली है लाहुल स्पीति है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सो so, पीर पांजाल रेंज में दिस इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुल टूरिज्म का यहाँ पर ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज्म और फ्लोरा एंड फोना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैक बियर्स स्नो लेपर्ड कॉमन लैपर्ड जैकाल मंकी ये सब पीर पांजाल में मिलते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपान मीडियम साइज ब्राइटली कलर्ड फीजन भी यहाँ पर मिलता है दिस दीज ऑल फ्लोरा एंड फोना कैन बी स्पॉटेड एट दिस पीर पांजाल रेंज ओके okay. सो so, अभी MOEFCC की एक सीरीज चल रही है नो द माउंटेंस माउंटेन रेंजस सो उस सीरीज में हम ये सारे वन बाय वन सारे कवर करेंगे ऑलराइट सो दिस इज सोशल मीडिया नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर सो दिस इज ऑगस्ट 31st 2022 वी हैव फॉलोइंग प्लस टू साइकिल और वीकेंड्स में सैटरडे संडे ऑफ हो रहा है आंसर राइटिंग का तो कल जो सवाल दिया था अब वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन करूंगा सो यू हैव गॉट टाइम राइट अ गुड आंसर एंड सबमिट इट ऑन द वेबसाइट ये अगस्त थर्टी फर्स्ट है फर्स्ट न्यूज इज ई डब्ल्यू एस कोटा सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज ऑन सेप्टेम्बर थर्टीन तो ई डब्ल्यू एस कोटा दस प्रतिशत देने की बात थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिकॉज हम लाते हैं इक्विटी 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 क्या होता है जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना सो सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है सो दैट इज़ वाई वहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक कैटेगरी बनाई गई और दस प्रतिशत कोटा वहाँ पे प्रोवाइड किया गया अब बात ये आती है कि वीकर सेक्शन को डिफाइन कैसे किया जाए वीकर सेक्शन को डिफाइन किया कैसे जाए क्या ये केवल सोशोलॉजी बेस्ड होना चाहिए सोसाइटी लेवल पे या फिर इसमें इकोनॉमिक एंगल भी होना चाहिए इस बात पे अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया और अभी सुप्रीम कोर्ट इसको प्रायोरिटी से हियरिंग होगी यहाँ पे देन वी विल हैव अ रीकैप सो द आइडिया इज दिस इज़ ई एस कोटा और रिजर्वेशन का जो मैंडेट है वो इकोनॉमिक बेसिस लिया गया है और इकोनॉमिक बेसिस में भी आपने जैसे आठ लाख रुपए छह लाख रुपए ये थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड किया कि इस इनकम के नीचे वाले इकोनॉमिकली वीक कहलाए जाएंगे सो दिस इज़ ई डब्ल्यू एस कोटा तो लेट अस सी अब इसमें क्या डिसीजन आता है सेप्टेम्बर थर्टीन को ये दिस हियरिंग होगा देन आज है विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी तो सेप्टेंबर फर्स्ट को द हिंदू का छुट्टी होगा सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड्स एन एच आर सी एन सी डब्ल्यू इन पर्सनल लॉ केस अब ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है जैसे हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट right दिया है कल्चर हेरिटेज को भी मेंटेन किया जा सकता है प्रैक्टिसेस रिलीजियस राइट्स दिए हैं कस्टम्स के भी राइट्स दिए हुए सो so एक तरफ रिलीजियस और कस्टम्स जो होते हैं वो अगेंस्ट जाते हैं से आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी वन के आर्टिकल 14 मतलब से इक्वालिटी के right to life के राइट टू लाइफ भी एट टाइम्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है और वहां पे क्लियर कट देन दिस डिफ्रेंशिएशन किया जाता है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन से जेंडर बेस्ड ऑन जेंडर सो जब बात ये आती है तब बात आती है रिलीजन प्रैक्टिस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी इसके लिए समटाइम्स बैक एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की भी बात थी फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी फिर से इसको हेयर करेगी एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू का यहाँ पे एक मैटर है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी चैलेंज कर रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिस सच एज पॉलीगेमी एंड निकाह हलाला सो द पॉइंट इज इंडिया इज अ मॉडर्न स्टेट इंडिया इज़ अ मॉडर्न स्टेट मॉडर्न स्टेट में जो रूल्स हैं लॉज हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली जो लिखा हुआ है आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन तो क्या ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसज होती है ये क्या इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट तो नहीं है इस पर एक फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अभी हियरिंग होगा लेटस्सी लेटस्सी देन दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज वाटर ट्रांसपोर्ट एक्चुअली ये हियरिंग ना 2020 से काफी बार ये न्यूज में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के इन सारे मैटर्स को कलेक्टिवली एक साथ सुनना जिसमें रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट आ जाता है लेट अस सी इस मैटर पे आगे क्या प्रोग्रेस होता है ये वाटर ट्रांसपोर्ट है हर शहर का यही हाल होता है बारिश होते ही दिस फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है दिस इज डिग्री ऑफ डिग्रीज़ ऑफ़ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज़ बैड कल ही मैंने आपको पढ़ाया था इन्फ्लेशन इज़ बैड अगर वो फोर प्लस माइनस टू परसेंट रेंज से बाहर है ज़्यादा है तो भी बैड है कम है तो भी बैड है तो डिग्रीज़ ऑफ इन्फ्लेशन अब कुछ राज्य देखो जहाँ पे सात सेवन पॉइंट टू सेवन इस इस लेवल की इन्फ्लेशन आ रही है तो जब इन्फ्लेशन आती है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है आपकी सेविंग्स होती है, सैलराइड पर्सन डिसएडवांटेज पे होते हैं पेंशनर्स डिसएडवांटेजेस में होते हैं जिसने उधार दिया है वो डिसएडवांटेज पे रहता है तो हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट राइट दिल्ली पुलिस बोल रही है फॉरेंसिक प्रोब मैंडेटरी किया जाएगा रूल टू बी फॉलोड इन क्राइम्स अट्रैक्टिंग ओवर सिक्स ईयर टर्म तो जो बहुत सीरियस टाइप के मैटर्स हैं सिक्स ईयर टर्म जैसे उसमें क्राइम पनिशमेंट की बात है तो फॉरेंसिक्स जो होगा उसकी प्रोब मैंडेटरी होगी फॉरेंसिक्स इसलिए ज़रूरी होता है कि एट टाइम्स जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रूवन रहे या फिर वहाँ पर जो डिसीजन आया भी है जैसे सिक्स ईयर का जेल टर्म अगर आया है क्राइम पे तो वो फुल बैक्ड बाय लाइक ऑथेंटिसिटी वहां पे प्रॉपर इंश्योर किया जाए सो दिस इज़ फॉरेंसिक्स फॉरेंसिक्स की यहाँ पे बात होगा इसी से रिलेटेड अभी एक और मैटर आ रहा है न्यूज़ में और वो मैटर न्यूज़ में आ रहा है डिजिटल डेटा का डिजिटल डेटा कि जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं इनका डेटा कलेक्ट किया जाए जब वो अरेस्ट हो रहे प्लस इस डेटा को कितने टाइम तक रखा जाए उनके बायोमेट्रिक्स का क्या ये बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे अगर सर्वेलेंस होगा तो वो आर्टिकल ट्वेंटी तो होगा ये सब भी अभी एक बैक स्टोरी चल रहा है प्रोब मैंडेटरी दिस इज़ नेक्स्ट पेज सी द केस बेंगलुरु में दीज रोड्स जो है ये फ्लडेड हो गई है देन दिस इज मेट्रो एंड फ्लावरी स्टार्ट फ्लावरी स्टार्ट पैटल्स एंड पैटर्न है यह है पुकालम पुक्कालम पुकालम क्या होता है फ्लावर अरेन्जमेंट है ये अभी थ्रिसुर में हो रहा है ओणम फेस्टिवल केरला में ओणम फेस्टिवल फेस्टिवल्स का टाइम अब चालू हो गया है सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफी अब फेस्टिवल्स आएंगे श्रीलंकन एयरलाइंस फिनिशेज फर्स्ट फेस ऑफ एयर लिफ्टिंग एट श्रीलंका में क्राइसिस है ड्रग्स का शॉर्टेज है तो एयर लिफ्ट यहाँ पे किया गया है देन दिस इज लेपड अटैक्स मैन एट टेम्पल इन आंध्रा ह्यूमन एंड एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट फ्लड से रिलेटेड न्यूज है अब सी बायोलेटरल रिलेशंस जब मैंने आपको इंडिया एंड पाकिस्तान बताया तो आई टोल्ड यू क्लियरली कि हम इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल को भी हमेशा कंसिडर करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान अ बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर डरिंग नेचुरल डिजास्टर सी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैसेज दिया कि जो पाकिस्तान में अभी फ्लडिंग हुआ इसमें लाइक थाउजेंड्स ऑफ़ पीपल का यहाँ पे दिस डिफ़िकल्टी हुआ है सो so इंडिया ने दिस जनरोसिटी एंड वेलकम जेस्र दिखाते हुए यहाँ पर दस बिलियन का जैसे डैमेज हुआ है तो इंडिया ने यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने का ऑफ़र किया अब फ्लड्स आता है फ्लड्स आता है फ्लड्स मतलब इनटेक इज़ ग्रेटर देन आउट इनपुट इज़ ग्रेटर देन आउट बहुत पानी का जल भराव हो गया है तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है जल भराव ज्यादा हो जाता है तो उससे ये होता है कि लाइक प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है कैटल भी लाइफ लॉस होता है और ह्यूमन लाइफ भी लॉस होता है तो 10 बिलियन का इकोनॉमिक डैमेज यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वन थर्ड कंट्री पाकिस्तान जो है वो भी फ्लडेड है फ्लड से स्टैंडिंग क्रॉप भी डैमेज हुआ है अब वाटर रिसीड होगा तो डिसीजेज भी आएगी स्टेगनेंट वाटर फूड का शॉर्टेज भी हो सकता है सो अगेन इकोनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी यहाँ पर इंश्योर कराना जरूरी होगा डिवास्टेशन जो हुआ है दिस इज अगेन अ सिग्नल की क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रूथ क्लाइमेट चेंज इज अ रियालिटी और साउथ एशिया वलनरेबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारस ने भी कहा मानसून ऑन स्टेरॉइड मतलब का एंड टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो गया बहुत बारिश होती है कभी सूखा हो जाता है कंट्रीज सच एज यूके यूएस चाइना यूएई कतर हर जगह क्लाइमेट पैटर्न देखने को मिल रहा है और इन कंट्रीज ने डिस्पैच भी किया है एड टू पाकिस्तान तो आई ने भी हेल्प किया है इंडिया ने भी यहाँ पे हेल्पिंग हेल्पिंग दिस हैंड ऑफर किया है अब सी इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर एट टाइम्स होता है सारे नेबर्स को जब डिफ़िकल्टी होती है बट पाकिस्तान के साथ जो हिस्टोरिकल चैलेंजेस है प्लस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की जो पॉलिसी है उसके कारण डिफरेंसेस क्रिएट होते है अदरवाइज़ नेपाल श्रीलंका मालदीव्स अफगानिस्तान हम अक्सर फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहे हैं अब पाकिस्तान के साथ भी इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है यहाँ पे तो उसको हेल्प चाहिए बट वो हेल्प अगेन नहीं रिसीव करता है बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इक्वेशंस सो द पॉइंट इज़ इससे लॉस ही होता है सो द पॉइंट इज यहाँ पर मेचोरिटी दिखाएं और अगर गवर्नमेंट्स यहाँ पे कोलाबोरेट करें तो सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स जिसमें थाउजेंड ऑफ इनोसेंट लाइव लॉस्ट होती है वो हम उसको कम कर सकते हैं द नंबर देन दिस इज प्लेजेस फ्रॉम रेड फोर्ट प्लेजेस बाय एवरी इंडियन ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच था सेवेंटी फिफ्थ दिस इंडिया इंडिपेंडेंस सेवेंटी फिफ्थ इंडियन इंडिपेंडेंस में रेड फोर्ट से जो स्पीच दिया था ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंट्री का अगर डी फैक्टो लीडर अगर पॉलिसीज अनाउंस कर रहे हैं रेड फोर्ट से ऑन द डे ऑफ सेवन फिफ्थ इंडिपेंडेंस देन सारे शब्दों की वैल्यू बहुत होती है तो यहां पर इसको मैंने आपको सेपरेटली भी एक वीडियो में कवर कराया था स्पीच ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है इसका क्विक एक बार रीडिंग आप जरूर कर 75 है, तो अगेन दिस नंबर इज स्पेशल आजादी का अमृत महोत्सव और अभी अमृत काल स्टार्ट हो गया है टू थाउजेंड फोर्टी सेवन तक हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं यहां पांच बातें बताई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि पांच प्लेजेस हैं 2047 तक इंडिया डेवलप्ड हो ऑल ट्रेसेस ऑफ कोलोनाइजेशन दूर हो प्राइड करें अपने रूट्स एंड हेरिटेज में गर्व से हम अपने दिस कल्चर एट्सेट्रा पे प्राउड फील करें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंश्योर करें एंड सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स प्रेसिडेंट साहब ने भी यहाँ पे एक ट्वीट पे बोला था कि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जानें तो वन टू थ्री फोर फाइव दीज आर फाइव प्लेज एंड दीज आर इंपॉर्टेंट अब यहाँ डिटेल में बत, बात किया है कि जैसे हमारी फर्स्ट प्लेज है कि हमें डेवलप्ड होना है बट डेवलप्ड का मायने क्या होता है रिमेंबर इकोनॉमिक्स क्लास प्रिलिम्स मैंने बताया था डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाउ वुड यू डिफ़ाइन डेवलपमेंट हाउ वुड यू डिफ़ाइन की दिस इज डेवलप्ड कंट्री वॉट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी वॉन्ट

अप्रोच कर सकते हो परफेक्टली ओके और ऐसे में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा दिखाने का होता है आप वहां पे थोड़ा चार्ट्स डायग्राम्स जो यूजुअली यूजली जीएसर में करते हैं वो ऐसे में थोड़ा अवॉइड किया जाना चाहिए डू वी वॉन्ट अ डेवलप नेशन फॉर अ सेलेक्टेड फ्यू फॉर ऑल दिस रिक्वायर्स लेजर लाइक फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी फ्रीडम इक्वालिटी इक्विटी एंड जस्टिस डू वी वॉन्ट क्लीन एयर जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे पॉइंट हमारे सिलेबस से सिंक करते हैं और ये सारे ये लाइन ऑफ थॉट ही मैंने सारे लेक्चर्स में सारे जो एनालिस एटसेट्रा हम फॉलो करते हैं हमने ये सेम लाइन ही फॉलो किया है सो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू दिस इज़ वॉट इज रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी फ्रीडम इक्वालिटी, इक्विटी जस्टिस सिविल सोसाइटी डिसेंट्रलाइजेशन साइंटिफिक माइंड सेट बनना है रूढ़ीवादिता नहीं होनी चाहिए दिस दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड तब जाके हम एक्चुअल सेंस में दिस डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं दो तक

बट द आइडिया इज हम उन चैलेंजेस को उन इश्यूज को दूर करें उन इश्यूज को दूर करें जैसे कल मैंने आपको पेट्री पे का आंसर लिखने को बोला सो अगेन अटेम्प्ट अटेम्प्टल टेकिंग प्राइड इन अवर रूट्स एंड हेरिटेज वी मस्ट लेट गो ऑफ पास्ट प्रिजुडाइस प्रेज लुक एट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर एवरी वन कई बार क्या होता है प्राइड एंड प्रिजुडाइसिस हमारा जो देखने का तरीका होता है वो कलर्ड होता है और हमें चीजें नहीं भी पता होती हम ग्लासफुल मेंटेलिटी रखते हैं जो गलत है तो द आइडिया इज प्राइड रखें बट साथ ही साथ हम दिस ओवरवेलम्ड नहीं हो और हम एक ओपन माइंड रखें हम कीन टू लर्निंग रहे यूनिटी इन इंटीग्रिटी एसेंशियल है पीस एंड प्रोग्रेस के लिए सो so अगेन मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ वन होना बहुत जरूरी है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अगर हम साथ रहेंगे तो सर्वाइव करेंगे सो देट इज वाई वी हैव टू बीट टूगेदर यूनिटी हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग भी करें टॉलरेंस होना चाहिए रिलीजन के लिए रेस के लिए कास्ट के लिए कस्टम्स के लिए लैंग्वेज के लिए सोशल स्टेटस के लिए अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है हर पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ डिफरेंट कस्टम्स होते हैं अब कुछ कस्टम्स आपको समझ नहीं आ रहे देन इट डजेंट मीन कि यू स्टार्ट रेडिक्यूलिंग दैम और स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ दैम नो यू हैव टू बी लाइक क्यूरियस ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट परसपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो द आइडिया इज वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू बी टॉलरेंट रिलीजन रेस कास्ट कस्टम्स लैंग्वेज सोशल स्टेटस पे फाइनली सेंस ऑफ ड्यूटी होना बहुत जरूरी है एक जिम्मेदारी होना चाहिए आपके पास केवल राइट्स ही राइट्स नहीं होते हैं अक्सर हम इस टेंडेंसी में आ जाते हैं हम थोड़े प्रिविलेज भी होते हैं प्लस हमेशा हमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आने लग जाते हैं एंटाइटलमेंट ये एंटाइटलमेंट है ड्यूटीज हैं एंटाइटलमेंट है राइट हैं है, तो साथ ही साथ ड्यूटीज भी है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन रिक्वायर डिसिप्लिन कैरेक्टर वैल्यूज मॉरल्स एथिक्स सेल्फलेस सेक्रीफाइस टू सर्व एंड हेल्प अदर बी काइंड वेन पॉसिबल इट इज ऑलवेज पॉसिबल द वे यू ट्रीट अदर्स टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग नीडिंग क्लैरिटी तो इन चीजों को हम और आगे बढ़ाएं तो इट वुड बी बेटर एटमोसफियर चार्ज है हमारा गवर्नेंस मैकेनिज्म पूरा वर्क कर रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव 25 फाइव ईयर्स हमें काल बनाना है कॉन्वर्जेशन करें हमसे यूनाइटेड नेशंस के साथ भी एज अ गुड सिटीजन हम क्यों ना दिस जो जैसे फेक न्यूज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ फेक न्यूज़ को बस्ट करना ज़रूरी है फेक न्यूज़ को हम क्यों ना एक दिस टॉलरेंट एंड एक्सेप्टेबल जो सोसाइटी है उन वैल्यूज को आगे बढ़ाएं एथिकल मोरल स्टैंडर्ड्स कई बार जैसे करप्शन टैक्स इवेजन क्राइम हेट वायलेंस ड्रग्स चीटिंग लाइज अब्यूज पर्सनल अटैक्स वेंडेटा मिस इन्फॉर्मेशन वी नीड टू राइज ओवर दीज दीज ट्रैप्स सो द पॉइंट इज वी अगर हम ट्रू सेंस में अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करना चाहते हैं तो द आइडिया इज़ वी नीड टू बी मोर मेच्योर वो मोर मेच्योर और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान दें थिंक ऑफ पब्लिक सर्विस थिंक ऑफ पब्लिक सर्विस आपके पास केवल राइट्स ही राइट्स नहीं है आपके पास कुछ ड्यूटीज़ भी हैं आपको लाइक टेक केयर करो क्लीनलीनेस सफाई से रखें हम क्लीनलीनेस रखें बेसिक नीड्स रखें फीड द हंगरी यू आर प्रिविलेज्ड फीड द हंगरी एजुकेट करो बच्चों को एल्डरली को भी एजुकेट करो प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज डेवलप स्किल्स प्ले स्पोर्ट एंटरटेनमेंट प्लान ट्रीज मेंटोरशिप करो प्रोवाइड लीगल सर्विसेज ओरल हाइजीन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, लोकल लाइब्रेरी रीड स्टोरीज दीज ऑल थिंग्स विल इन कलेक्टिव इन कलेक्शन हमें आगे प्रोपेल करेगी हेल्प करेगी नॉन वायलेंस होना चाहिए अब वायलेंस भी फिजिकल नहीं वर्बल वायलेंस भी होता है तो अगेन वी शुड अवॉइड दैट माइंडसेट चेंज करने की यहाँ पे जरूरी ये बहुत अच्छा पूरा ऐसे टाइप लिखा है ये पूरा आर्टिकल इसको एक बार आप जरूर से पढ़ना और ये मास मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये किसी अकेले के बस की बात नहीं है टू टेक दिस प्लेज एंड फॉलो दैम इज अ टॉल ऑर्डर अनलेस जब एक कम्युनिटी बने लोग जुड़े व वहाँ पे और उसमें गवर्नमेंट बिजनेस सिविल सोसाइटी डिफेंस जुडिशरी मीडिया साइंस एंड टेक एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर लेबर आर्ट क्राफ्ट माइनॉरिटीज वुमेन यूथ ये सब जब पार्टिसिपेट करेंगे देन ओनली फिर सृजन होगा सो द आइडिया इज दिस इज वॉट वी नीड टू डू इंडियन हिस्ट्री हेरिटेज सिविलाइजेशन बहुत अच्छा है हमें प्राउड है प्राइड है बट अगेन हमें और कैसे बेहतर बनने की गुंजाइश है उधर हमें हमें दिस हमारा नेग्लेक्ट नहीं आना चाहिए करेज कमिटमेंट कॉन्विक्शन जरूरी होगा डेमोक्रेसी फ्रीडम इंक्लूजन डेवलपमेंट भी जरूरी होगा तो वाई नॉट लेट ऑल टेक दीज प्लेजेस ड्रॉप द फोन चेकिंग ड्राफ्ट सर्विलेंस करबिंग ऑर्डर सो दिस इज अगेन इस पे अभी डेटा डिजिटल प्राइवेसी पे अभी एक बिल आने वाला है अभी आएगा थोड़े टाइम पे इसको हम थोड़ा फिर से अच्छे से देखेंगे अब ये बात है कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म भी बहुत बढ़ गया है एज ऑफ हाइपर लैप कंज्यूमरिज्म पे एजुकेशन में डिजिटाइजेशन हुआ और थोड़ा कॉमर्शलाइजेशन भी हुआ इससे बेनिफिट्स तो हुए बट अगेन क्या हो गया है स्टूडेंट्स में भी एट टाइम्स ये फील आने लग गया है दे आर अ कंज्यूमर दे आर अ कस्टमर एंड टीचर इज अक सेल्स पर्सन बिजनेस पर्सन तो इससे क्या होता है जब ये हाइपर कंज्यूमरिज्म आता है तो फिर जो बेसिक अगेन जो हमने बात किया एक एथोज है जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में दिस ऑलवेज से अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप रिलेशनशिप है इसमें टीचर इज नॉट लाइक टीचिंग इज अ वेरी सेंसिबल जॉब वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब बिकॉज इन टीचिंग यू आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ओवर कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए टीचर का जो गोल होता है जो फर्स्ट गोल होता है वो होता है दिस स्टूडेंट का फ्यूचर को सिक्योर करना अगर यहाँ पे ये यह जो जो फ्यूडिशरी रिलेशन होता है वो हाइपर कॉन्ज्यूमरिज्म हाइपर लैब्स कॉन्ज्यूमरिज्म में बैक सीट नहीं लेना चाहिए दिस इज वॉट वी ऑलवेज ट्राई टू डू कंज्यूमर एंड बिजनेस शुड बी माइंडफुल ऑफ द एक्शन, अदरवाइज क्या होता है इसके डिफिकल्ट आते हैं सो आइडिया इज कंज़म्पशन बढ़ रहा है, है, भी, जो होती है ये एक टिकट नहीं है टू गेट ऑल टाइप ऑफ हैप्पीनेस एटसेट्रा सो द आइडिया इज बैलेंस यहाँ पे जरूरी होता है और माइंडलेस नहीं माइंडफुलनेस होना जरूरी है माइंडफुलनेस होना जरूरी है ओवर कंज्यूमरिज्म हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म अगेन नॉट राइट द मेनी वेज ऑफ हेल्पिंग श्रीलंका श्रीलंका को हम हेल्प कर रहे हैं चाहे वो क्रेडिट लाइन हो एसेंशियल ड्रग्स हो ऑयल हो सप्लाईज स्पीड किल्स यस स्पीड थ्रिल्स बट किल्स ट्री ट्रांसप्लांट फेल्स फीमेल बेलिंग आउट पाकिस्तान सिक्स डेकेड वेट एंड रिस्क ऑफ फेमाइन देन ये पॉलिटिकल क्राइसिस इराक में चल रहा है और ये है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है सी मैरिज में इंडिया में मैरिज सबका एक फंडामेंटल राइट right है फंडामेंटल राइट right है राइट टू लाइफ है और हर किसी को पूरा पूरा अधिकार मिला है अपने पसंद से मैरिज करने का बट द पॉइंट इज कई बार जैसे इंटर रिलीजन मैरिज होती है इंटर कास्ट मैरिज होती है रिचुअल्स के हिसाब से होती है कस्टम्स के हिसाब से होती है बट क्या उस मैरिज को कानून मानता है कानून मानता है कानून तब मानता है जब उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन होता है तो ऑलवेज रजिस्टर ये है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 तो स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है ये कानून बना हुआ है जो वैलिडेट करता है रजिस्टर करता है इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिजेस इन इंडिया इंटर रिलीजियस एंड इंटर कास्ट मैरिज इन इंडिया बिकॉज अब ये चीज़ें भी से दीज आर अगेन वेरी कॉमन इंटर रिलीजियन एंड इंटर कास्ट मैरिज तो इसको वैलिडेट करने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर दिस रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट ये रजिस्ट्रेशन है तो कानून आपके साथ रहता है इट अलाउज़ टू इंडिविजुअल्स टू सॉलमनाइज द मैरिज थ्रू अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस इज अगेन लॉ नो रिलीजियस फॉर्मैलिटीज आर नीडेड टू बी कैरिड आउट अंडर द एक्ट बड़ा सिंपल सा होता है हिंदूज मुस्लिम क्रिश्चन सिंह जैन बुद्धिस्त सब जगह होता है द एक्ट अप्लाईज नॉट ओनली टू इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन बट ऑल्सो बट ऑल्सो हू बिलोंग्स टू से इंडिया में जो रह रहे हैं अब अट्रिकल अट्रिकल विद वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसमें क्या बात आती है ये जो एक्ट है ना ये इंडियंस को बिलोंग करता है और जो इंडियन फॉरेन में रह रहे हैं पर वो इंडियन सिटीजन है तो वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में आ सकते हैं नॉट फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया बट इंडियंस आर लिविंग इन फॉरेन अब असिमेट्री क्या आती है आसिमेट्री आती है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शाफीन जहां वर्सेज अशोक के एम टू थाउजेंड एटीन कोर्स को केस में कहा था कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी अपनी पसंद से शादी करने का पूरा पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा एबिलिटी ऑफ 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 ईच इंडिविजुअल टू टू अ लाइफ फेथ शी और ही एट है अब राइट टू जो मैरी है दिस इज आर्टिकल ट्वेंटी वन कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर सुप्रीम कोर्ट के एस पुट्टा स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया में कहता है राइट ऑफ चॉइस ऑफ अ फैमिली लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर प्रोविजंस दे रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन दिस इंटरफे मैरिज इंटरकास्ट मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को यहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देगा बट इसमें भी कई बार चैलेंजेस आते हैं चैलेंजेस आते हैं कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो अभी मॉडर्न टाइम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है या फिर इसका एट टाइम्स मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है कई बार मैरिज के बाद से कॉन्वर्जन होता है तो वो कॉन्वर्जन हो रहा है तो अगेन दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अगर वो फोर्सफुली हो रहा है तो द आइडिया इज इस एक्ट को वापस रिविजिट किया जाए या नहीं किया जाए प्रोविजन ये था कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट तो नहीं कर रहा है अगर कपल्स टू गिव अ नोटिस ऑफ थर्टी डेज बिफोर द डेट ऑफ मैरिज इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पब्लिक जैसे रजिस्टर मैरिज में आपको तीस दिन का नोटिस देना पड़ता है अब ये नोटिस अगर आपने दिया है अगर नोटिस दिया है तो एट टाइम्स क्या उसमें उस कपल की प्राइवेसी तो वॉयलेट नहीं हो रही है या फिर अगर से उनको थ्रेट्स मिल रहा है फ्रॉम सोसाइटी तो ऐसे वो थर्टी डेज का नोटिस देंगे न्यूज़पेपर पेपर etc. में तो उनका थ्रेट लेवल तो और बढ़ जाएगा तो इन लूप होल्स पे बात किया है दीज पब्लिक नोटिसज हैटन एलिमेंट्स टू हेरास कपल गेटिंग मैरिड सो ये है दिस स्पेशल मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर तो इस पर अभी रेट आया था उसको फिलहाल तो डिसमिस कर दिया है बट कोर्ट ने पहले इन दो केसेस में इस स्पेशल मैरिज एक्ट की प्रोविजन को अपहोल्ड किया था

जो आपका अप्रोच होता है वेन आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है तो आप नॉर्मल ह्यूमर में भी पॉलिटी, जोग्राफी हिस्ट्री एटसेट्रा को इंक्लूड करने लग जाते हैं सो दिस इज अगेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर देन डोंट टॉक टू हिम नाउ ही इज आउट ऑफ ह्यूमर बैड मूड इन सर्टेन कंट्रीज वर डिबार्ट फ्रॉम वोटिंग इन इलेक्शन डिबार मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता बट इंडिया में इंडिया में हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है

देन पॉस्चराइज बॉयल मिल्क ही लेना है बिकॉज लम्पी डिसीज़ फैल रही है इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है कैटल का और इससे नूडुल्स बन जाते हैं लम्पस बन जाते हैं स्किन हाइड ऑफ दिस कैटल्स में ऐसे और कई बार ये जो डिफिकल्टी है वो दिस कैटल दिस मिल्क में भी पास ऑन हो सकती है सो दैट इज वाई जो दूध है उसको अच्छे से बॉयल करना है पॉस्चराइज करना है गर्म करके तुरंत ठंडा करना है उससे वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है तो पॉस्चराइज करना जरूरी है ये ऐसे लम्ब्स बनने लग गए लम्ब्स लम्ब्स यस जनरल हेल्थ यहाँ पे डिटेरियोरेट हो रही है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने कहा परचेज चैलेंज ह्यूज हॉल ऑफ फेक करेंसी काउंटरफिट नोट्स अब देखो यूक्रेन वॉर एक ऐसा वॉर हुआ है जिसमें वर्ल्ड की सारी मिलिट्री ने बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि कैसे वॉर लड़ना चाहिए क्या चैलेंजेस आती है रशिया के भी बहुत सारे मिस हुए थे उससे भी लेसन सीखा है सो so, इंडिया को भी इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पे इसको प्रॉपरली स्टडी किया देर कैन नॉट बी एडिक्वेट सॉफ्ट पावर विदाउट हार्ड पावर तो सॉफ्ट पावर इज गुड बट थोड़ा हार्ड पावर भी होना चाहिए दिस इज रिक्वायर्ड कॉन दोनों को डेवलप करना जरूरी होगा ये एयर चीफ मार्शल बी चौधरी साहब ने कहा देन हमें यहाँ पे जैसे नेटो का क्या क्या पर्सपेक्टिव रहा वॉर में क्वाड एशियान देन दिस इज यूएस सेंट्रल कमांड सो द इज वर्ड आज की डेट में अलायंस सिस्टम तो है और अलायंस सिस्टम भी इंटरेस्ट बेस्ड है इंटरेस्ट बेस्ड है तो द इज जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट में जो पूरे वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन है जैसे यू एन वो तो इंपॉर्टेंट है बट ये जो इंस्टीट्यूशन है स्पेसिफिक जैसे नेटो हुआ क्वाड हुआ एशियान हुआ ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वेपन्स आपके अपडेटेड होना चाहिए इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी और जो जैसे रशियन बैंक्स को हटा दिया गया स्विफ्ट ट्रांजेक्शन से स्विफ्ट ट्रांजेक्शन एक टूल होता है जिससे बैंक आपस में बातें करते हैं उनका एस सिस्टम आप बोल सकते हो सो स्विफ्ट ट्रांजेक्शन से जिस तरीके से रशिया को हटाया तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक वॉरफे तो इस वॉरफेर के बहुत सारे लेसनस है इकोनॉमिक वॉरफेयर परसेप्शन वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दीज ऑल आर वॉरफेयर और वॉरफेयर में भी प्रिसीजन स्ट्राइक सरप्राइज एलिमेंट ये चीजें भी इम्पोर्टेंट हो रही है चाइना विल कन्वीन अब देखो चाइना में अक्टूबर 16 को ऑल पार्टी मीटिंग होगा और लेटेस्ट सी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस चाइना कौन बनते हैं सोलोमन आइलैंड सस्पेंड्स ऑल विजिट फ्रॉम फॉरेन नेवीज ये है माइक्रोनेशिया पॉलीनेशिया आगे बताता हूँ टू पॉइंट सेवन परसेंट गुड न्यूज पर्ड स्टॉक्स ब्रेंड स्लाइड हुआ रिसेशन का डर लग रहा है तो ऑयल अब स्लाइड हो रहा है रुपी थोड़ा गेन हुआ देन दिस इज एन सी एक्सेंचर ऑल राइट सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर और ये जो मैप है तो देखिए यहां ऑस्ट्रेलिया है इसके बाद ये छोटे छोटे जो इतने सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जस्ट अब ऑस्ट्रेलिया ये है मेलानेशिया, मेलानेशिया, यहाँ पे न्यू गिनिया बिस्मार्क सोलोम सेंटाक्रूज वन आउ टू फीजी न्यू कैलिडोनिया आते हैं फिर आता है माइक्रोनेशिया मेला के ऊपर यहाँ पे से मरियाना मार्शल कैरोलिन किबाटी पलाव ये आइलैंड आएंगे देन ये पैसिफिक में ये जो बहुत बड़े रेंज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस इज पॉलीनेशिया इसमें टू से लेके दिस आ, दिस ऑस्ट्रल आइलैंड कारमाडेक ट्रेंच न्यूजीलैंड टोंगा ये सारे पॉलिनेशिया में आ जाते हैं और फिर हवाई आएगा और फिर यूनाइटेड स्टेट्स चालू हो जाएगा दिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट ओके okay. तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेलानेशिया मेलानेशिया के ऊपर माइक्रोनेशिया और ये बड़े जोन में जो पैसिफिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है सदर्न पैसिफिक में दिस इज कॉल्ड पॉलीनेशिया ऑल राइट सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट वी डिड इट एवरी डे एवरीडे एवरी डे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ